सो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक्साइटिंग वीडियो लेकर। गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास इंटरेस्टिंग यूजफुल होने वाली है, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। गाइस, आप कोई सा भी मोबाइल यूज़ करते हो तो उस मोबाइल के अंदर आप अपने मनपसंद रिंगटोन चेंज कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल की। आपको जो भी कॉल आता है उस पर कौन सी रिंगटोन आई वो अपने हिसाब से आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो। गाइस, आपके पास कोई सा भी मोबाइल होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दिखाऊंगा जिससे आप कोई सा भी मोबाइल में रिंगटोन चेंज करना सीख सकते हैं और आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो एंड तक देखना, और अगर गाइस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा गाइस, आपको अपने मोबाइल का सेटिंग में चले जाना। उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। उसके बाद अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पर ऊपर कोई सा भी मोबाइल की सेटिंग ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, तो उस सर्च वाले पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर लिखना है आपको रिंगटोन। जैसे आपको डायरेक्टली यहाँ पर जाने के बाद गाइस आपको डायरेक्टली रिंगटोन लिखना, रिंगटोन लिख के सर्च करोगे तो इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर डायरेक्टली आपको रिंगटोन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको कोई सा भी फोल्डर ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल आपको यहाँ से डायरेक्ट रिंगटोन लिख लेना, आपको रिंगटोन आ जाएगा। तो गाइस अभी देख सकते हो यहाँ रिंगटोन वाला ऑप्शन होगा, सारा सेटिंग इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने रिंगटोन पे क्लिक करना। एक और दो नंबर के सिम है, मैंने अभी मेरा फेवरेट रिंगटोन लगा रखा है। तो इस तरह से आप ही इसके अंदर कोई सा भी रिंगटोन लगा सकते हो। इसके अलावा अपने यहाँ अपने मेमोरी कार्ड या फ़ोन स्टोर से अगर करना चाहते हो तो प्लस पे जाने के बाद यहाँ पर जो भी आपके एसएसडी कार्ड या अपने फ़ोन स्टोर में जो भी होगा वो रिंगटोन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से लगा सकते हो। और इसके अलावा दो नंबर सिम में लगाना चाहते हो, सेम प्रोसेस वही है। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।